नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत निर्मल नगर बस्ती में एक व्यक्ति की पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी गई, क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चाईबासा में सड़क दुर्घटना में कार सवार दो युवकों की हुई मौत, दो लोग घायल। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन पूर्वी सिंहभूम इकाई द्वारा महादानवीर भामाशाह के जयंती पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अनगढ़ा प्रखंड में अमर शहीद जीतराम बेदिया का शहादत दिवस मनाया गया। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत निर्मल नगर बस्ती में नायडू बाग नामक व्यक्ति की पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे बस्ती में सनसनी फैल गई। हालांकि सूचना मिलते ही मृतक व्यक्ति के परिजन पहुंचे और शव को देखकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हुआ। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि नायडू बाग अकेले घर में रहता था और काफी शराब का सेवन करता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। सुबह जानकारी मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं उनकी पत्नी और सास का आरोप है कि घर पर कब्जा करने के लिए आसपास के लोगों ने इसकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सब देखिए सर, मेरा आदमी तो पीता खाता है, लड़ाई झगड़ा ऐसे हमेशा, कभी काम करता कभी नहीं करता, इसीलिए हम मेरा माँ घर चली गए। और फिर आज क्या पता चला? आज सवेरे फोन आया तो बस्ती से कोई किया था, हमको तो पता नहीं है सर। तो मेरी मम्मी उठाई थी, हम तो घर का काम कर रहे थे, फिर मम्मी उठाई तो मम्मी बोली ऐसे तो बात है। तो फिर मेरी जो जेठानी की बहू है वो फोन की और बोली ऐसे तो बात है। क्या हुआ इनके साथ? क्या हुआ सर, हम तो यहाँ रहते नहीं, हमको तो खबर नहीं, मगर हमको देख के तो ऐसे ही लग रहा कोई मार के फेंक दिया है। क्या कि इसको कोई मार के इसको फेंक दिया है। अब घर का कि बाहर का वो हम नहीं बोल सकते, काहे कि हम यहाँ रहते हैं नहीं। हम जैसे सुने आए देखे तो उसका पूरा एकदम शरीर फाड़, मतलब खून निकल रहा था और वो सोया हुआ था। हम लोग भी आके वही देख रहे हैं। तो घर में अकेले रहते थे? हाँ, अकेले रहते थे। क्या काम करते? वही ड्राइवर था, गाड़ी उड़ी चलाता था। क्या किया रहिंदर से, क्या किस लिए मारा गया? अब किस लिए मारा गया तो हम लोग नहीं बोल सकते ना। हाँ वही होगा और क्या होगा, वही होगा सर और क्या। कोई बात नहीं है, वही ना बात हम लोग को दिख रहा, क्या बात दिखेगा। जब ये घर बना तो इसको भी पता नहीं था, पता तक नहीं है घर के बारे कोई चीज, हम लोग को पता नहीं है। गश्ती के दौरान सूचना मिला कि एक व्यक्ति जो है मृत पड़ा हुआ है। आकर क्या देखा गया? देखा गया कि व्यक्ति जो है चित पड़ा हुआ था और उनका परिजन कहना है कि कोई व्यक्ति उनका हत्या कर दिया है। शरीर पे चोट के भी निशान है पूरे पर जी? क्या कुछ है? सिर पे चोट के निशान है। अभी शव को आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं? पोस्टमार्टम हाउस ले जा रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ पता चला, कौन मारा क्या है? नहीं तो जांच में ही पता चलेगा, अभी भी क्लियर नहीं है। कुछ बरामद भी हुआ? नहीं, बरामद कुछ नहीं। क्या से मारा गया कुछ पता चल रहा है? नहीं, मैंने चोट का निशान है। हाँ, व्यक्ति जो है शराब का सेवन करता था, ड्राइवर का काम करता था। घर में अकेले रहता जी? यहाँ पे अकेले रहता था। चाईबासा में सड़क दुर्घटना में कार सवार दो युवक की हुई मौत, दो घायल। चाईबासा रांची NH-75 बाइका गांव के समीप एक कार की दुर्घटना हो गई, जिसमें सवार चार व्यक्तियों में दो व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला एवं एक युवक घायल है, जिनका चकधरपुर के अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार झिकपानी स्टेशन कॉलोनी निवासी चार लोग अपने कार से सरायकेला अपने परिवार के श्राद्ध क्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान चाईबासा रांची NH-75 बाइका गांव के पास उनकी कार का एक्सल टूट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और साक्षी जुबली पार्क गेट के समीप से एक संदिग्ध बाइक बरामद की गई। साक्षी जुबली पार्क गेट के समीप से एक लावारिस बाइक बरामद की गई है। बिना नंबर प्लेट के बाइक को पुलिस द्वारा जब्त किया गया और थाने ले जाया गया। पुलिस आशंका जता रही है कि यह बाइक चोरी की भी हो सकती है। जिसमें आगे पीछे दोनों में नंबर प्लेट नहीं है, तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं किसका बाइक है और क्या है मामला, देखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आसपास पूछे किसी का तो कोई बता नहीं रहा है कि मेरा बाइक है, तो उस बाइक को हम लोग देखते हैं किसका बाइक है, पता करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो फिर थाना लेकर जाएंगे। पर डे हज़ारों गाड़ियाँ लगती हैं, क्या लग रहा है कुछ गलत भी होता होगा? हाँ जरूर, गलत तो होता ही है, चोरी का भी हो सकता है। या हम लोग जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक बता नहीं पाएंगे एग्जैक्ट क्या है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन पूर्वी सिंहभूम इकाई के द्वारा महादानवीर भामाशाह के जयंती पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।
साथ ही लोगों के बीच शरबत का वितरण किया गया। काशी गोल चक्कर पर इस बाबत एक शिविर लगाया गया। इस दौरान सभी ने दानवीर भामाशाह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं राहगीरों के बीच चना तथा शरबत का वितरण किया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार दानवीर भामाशाह ने अपने जीवन काल में अपने मित्र महाराणा प्रताप के युद्ध के लिए अपना पूरा धन एवं अपने दो पुत्रों का बलिदान दे दिया था, आज उन्हीं के इस महादान से हमें प्रेरणा मिलती है। आज इस खास मौके पर हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लेते हैं। मुगल शासक के समय में महाराणा प्रताप जी को जंग लड़ने के लिए 12 साल तक जंग जीतने के लिए अपना धन कुबेर खजाना दिए, धन बल शक्ति और अपने दो पुत्र को भी कुर्बान किए। ये हमारे शख्सियत हैं, हम उनके वंशज हैं। हम उनके याद में हम लोग हर साल विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शहर में करते रहते। क्या शपथ ले रहे आज उनके जन्मदिन पर? उनके मार्ग पर चलना, उनके हिसाब किताब पे चलना, उनके दशा दिशा पे चलना, और हम लोग सेवा के लक्ष्य पे पैदा हुए हैं, सेवा करने का लक्ष्य है। अनगढ़ा प्रखंड के बीसा पंचायत अंतर्गत बीसा गांव में अमर शहीद जीतराम बेदिया का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जयराम बेदिया ने किया। मुख्य अतिथि झारखंड पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो रहे। उन्होंने बताया कि यदि महात्मा गांधी सबके हो सकते हैं तो जीतराम बेदिया भी सबके लिए लड़े थे। लोग कृति को याद करते हैं, उनके द्वारा देश के लिए किए गए कृति को लोग आज भी याद कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई और न्याय से लोग दूर होते जा रहे हैं। लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि सब्जी का मोल तोल करते हैं किंतु हॉस्पिटल में जो दाम लिखकर दे दिया जाता है कोई तोल मेल नहीं करते हैं। समाज को अपनी मानसिकता बदलना होगा। बता दें कि अमर शहीद जीतराम बेदिया का जन्म 30 दिसंबर 1802 ईस्वी को रांची जिला अंतर्गत ओर मांझी प्रखंड के गगारी गांव में हुआ था। वहीं उनके पुत्र ने बताया कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद किए। अपने पिता के मृत्यु के बाद जीतराम बेदिया ने घूम घूम कर लोगों को संगठित किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। उनकी बहादुरी, सूझबूझ, संगठनिक क्षमता से यहाँ की जनता काफ़ी प्रभावित थी। अमर शहीद जीतराम बेदिया ने गांव में घूम घूम कर यहाँ के लोगों को अंग्रेजी हुकूमत को नहीं मानने और अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ने का ऐलान किया था। आज अमर शहीद जीतराम बेदिया के जो वंशज हैं आज तक वे सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं और आज तक उन्हें सही सुविधा नहीं मिल पाया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम शहीदों के वंशज को कम से कम अपने स्तर से उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए, जो हॉर्स अन्य क्रांतिकारी वीर शहीदों का मिला है, उस प्रकार हमारे जीतराम बेदिया के वंशजों को शहीद का सम्मान मिलना चाहिए। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण की तैयारी जमशेदपुर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुरू कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 30 अप्रैल को 100वां संस्करण होने जा रहा है। इसकी तैयारी भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी है। इस बाबत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिष्टुपुर चैम्बर में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में मंडल अध्यक्ष नेता उपस्थित रहे। पिछले दिनों जो जमशेदपुर की घटना के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति बनी थी, उस जांच समिति ने अपना पूरा रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश नेतृत्व के महामंत्री प्रदीप वर्मा जी के साथ, हम 5 लोग जमशेदपुर से भी थे, हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है और राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने मांग किया है कि इस घटना का CBI जांच या सीटिंग जज से न्यायिक जांच हो। हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि राज्य सरकार अपनी मनसा साफ करे और इस प्रकार तुष्टीकरण की नीति में जो जमशेदपुर को आग के गोले में ढकेलने का काम राज्य सरकार कर रही है वह बंद करे। और डुमरिया प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाके में महिलाओं और किशोरी बच्चियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। डुमरिया प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाके के पलास बनी पंचायत में आज बाल विवाह, डायन कुप्रथा, मानव तस्करी आदि को लेकर महिलाओं और किशोरी बच्चियों के बीच आज जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। वहीं मेराकी संस्था के सचिव वीरता पात्रो और जिला परिषद सदस्य पार्वती मुंडा ने कहा कि अक्सर यह देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह, डायन प्रथा, मानव तस्करी जैसी घटना काफ़ी होती है। वहीं हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाया ताकि लोग जागरूक हो सके। यहाँ के जिला परिषद पार्वती मुंडा के साथ विभिन्न गांवों में महिलाओं को, उनके माता पिताओं को, बच्चियों के माँ बाप को लेकर हम लोग एक कैंपेनिंग करना शुरू किए हैं, जागरूकता अभियान।
आगे हम लोग विभिन्न विद्यालयों में, बालिका विद्यालयों में लड़कियों को भी इस मामले को समझाएंगे, किसी भी बाहरी व्यक्ति के झांसे में ना आए, किसी भी बाहरी व्यक्ति के विभिन्न प्रलोभन में ना फंसे, शिक्षित हो, स्कूल जाए, पढ़ाई लिखाई करे, माता पिता लड़कियों पर ध्यान दे, उन पर अपनी कड़ी नज़र रखे, ताकि झारखंड की बेटियां यहां से बाहर पलायन ना करें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों को जागरूक करना, उनको शिक्षित करना, बाल विवाह की रोकथाम करना, जिसकी आज प्रारंभ आज पलासबनी में हम लोगों ने अपने संस्था और जिला परिषद पार्वती मुंडा के साथ पहला आज का अभियान हमारा कि यहाँ का जो पलायन हो रहे हैं और यहाँ में जो शिक्षा की जो कमी है, हमारी बेटियाँ पढ़ाई कर रही है लेकिन कैसे करके हमारी बेटियाँ यहाँ से लखनऊ तक पहुँच गई, बहुत शर्म की बात है। इसलिए जागरूक फैलाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज से इस प्लासबनी पंचायत से अभियान चालू की हूँ और इसमें हमारे सख्त भागीदारी विद्युत वरण महतो जी हैं। उसने महिलाओं के बीच में घर घर टोला टोला जा कर के सबको इस अभियान को चलाने के लिए मुझे सहयोग कर रहे हैं। डुमरिया में तरबूज की अच्छी पैदावार होने से किसान काफी खुश है। किसान की उम्मीद है कि इस बार अच्छा मुनाफा होगा। पहली बार डुमरिया के हाथीबाड़ी गांव में एक किसान ने एक एकड़ जमीन में तरबूज की खेती की है और तरबूज की अच्छी पैदावार भी हुई है, जिससे किसान काफी खुश है। किसान का दावा है कि अच्छी पैदावार होने से काफी मुनाफा होगा। वहीं किसान गौतम गर्ग ने कहा कि हम पहली बार तरबूज की खेती डुमरिया में किए हैं, यहाँ की मिट्टी काफ़ी अच्छी है और इस बार तरबूज की फसल भी अच्छी हुई है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा मुनाफा इस बार होगा। तरबूज का खेती यहाँ अगर किसान करना चाहेगा तो बहुत अच्छा होगा, बशर्ते किसान जागरूक होना चाहिए। मोटा मोटी एक एकड़ में अगर किसान अच्छा से उसको खेती करेगा तो कम से कम 100 क्विंटल तक प्राप्त कर सकता है तरबूज। यहाँ का मिट्टी बहुत अच्छा है तरबूज के लिए उपजाऊ। हम लोग तो इस बार पहली कर रहे हैं, यहाँ तो लोकल किसान तरबूज उरबूज के इतना जागरूक नहीं है, दूसरा सब्जी करता है, लेकिन तरबूज से अच्छा इनकम प्राप्त कर सकता है। कितना मुनाफा हुआ, पहली बार किए क्या? इस बार हम लोग पहली बार किए। अच्छा, मुनाफा कैसा हुआ आपका इस बार? मुनाफा अभी तो काटे नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल रेट अच्छा चल रहा है। हम लोग का तरबूज तैयार नहीं हुआ है तो कम से कम अच्छा मुनाफा होगा, ये हम लोग का आशा है। आशा तरबूज है और पूनम भी मिलता है और बंगाल से, जैसे कैप्सूल माल इधर का कैप्सूल माल चलता नहीं, इसलिए हम लोग कैप्सूल माल बनाते नहीं। और समाज सेवी बच्चे लाल भगत के द्वारा जन चिंतन नामक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन रविवार को बिष्टुपुर स्थित मोदी पार्क में किया गया। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई। गौरतलब हो कि ये सभी ऐसे समाज सेवी है जो पूर्व में झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे और झामुमो के भाजपा में विलय के उपरांत इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और समाज में लगातार समाज सेवा के कार्य को जारी रखा। इन्होंने कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही कहा कि आगामी दिनों में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सलाह मशवरा कर किसी राजनीतिक पार्टी का दामन बेसब्री थामेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के भाव को छूने का प्रयास किया है और उनका विचार हम लेने का प्रयास किया, जिसमें कि इन्होंने कहा कि हम समाज सेवा के रूप में तो सेवा दे रहे हैं लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी का दामन और उनका आशीर्वाद उस प्लेटफॉर्म पे जाना उचित होगा। आज के इस बैठक में यह निष्कर्ष निकल के अब तक आ रहा है। यह निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है लेकिन ये निचोड़ में बातें आ रही है। अब वो कौन सा दल होगा, वो कौन सा समय होगा, ये परिस्थिति आपको बाद में हम खुलासा कर पाएंगे। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। शेयर करो या ना करो, शेयर करो। एक और फ्रूटी। राम। आउच, कम ऑन गाइस। हे, थैंक यू। आपकी फ्रूटी, आपकी चॉइस। सिप इट, ड्रिंक इट, लव इट। पार्टी बिना फ्रूटी के? व्हाट? कभी नहीं। फ्रूम फ्रूम फ्रूटी करता ब्रांड। हे, आ गया मैं। उप्स, गिर गया ढक्कन। पानी हो जाए। फ्रूटी है? तो पार्टी है। सिप इट, ड्रिंक इट, लव इट। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन QC, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर।
electrical technician, house and plant CCTV camera and fire alarm. TIG and arc welding. High pressure, X-ray quality, 6G position. Fire and safety engineering. Mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator. HVAC and air condition technician. ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। उषा इंटरप्राइजेज सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंप्लीट शोरूम आपके शहर जमशेदपुर का पहला शोरूम जो वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता आ रहा है और आगे भी उषा इंटरप्राइजेज अपने सभी प्रोडक्ट के गुणवत्ता को आपके लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। हमारे यहाँ आपको सभी प्रकार के रेफ्रिजरेटर, एसी, एलईडी, माइक्रो ओवन, फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मैट्रेस और फर्नीचर की एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज फर्नीचर का भी ऑर्डर लिया जाता है। हमारा पता उषा इंटरप्राइजेस, न्यू काशीडी नियर जम्बो टावर भालूबासा जमशेदपुर और धतकीडी मेन रोड मार्केट एरिया जमशेदपुर। फोन नंबर 9431120452 और 7903907199। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हाँ, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं, तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। विकास ज्वेलर्स सोने और चांदी की बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श। विकास ज्वेलर्स त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस रमजान सोने की खरीद पर पाए पूरे 2000 रुपए की छूट, तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाए। साक्षी के अलावा अब हमारा दूसरा ब्रांच मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में भी उपलब्ध, तो आज ही अपने नजदीकी विकास ज्वेलर के ब्रांच पर आए और आकर्षक कीमत पर सोना अपने घर ले जाए। हमारा पता साक्षी श्री लेदर्स के सामने साक्षी बाजार जमशेदपुर और ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान हॉल के सामने मानगो जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 8210142170। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन 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 और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन ये कौन सा ऐसे लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए
और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। जगन्नाथ धाम पुरी के तर्ज पर सरायकेला में आयोजित होने वाले वार्षिक जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास तकरीबन 250 साल पुराना है, जिसका शुभारंभ रविवार को पावन अक्षय तृतीया के अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ के रथ निर्माण के साथ किया गया। उत्कलीय जगन्नाथ परंपरा के अनुसार आगामी 20 जून से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए विधिवत पूजा अर्चना कर रथ निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। प्राचीन जगन्नाथ श्री मंदिर सरायकेला के प्रांगण में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में श्री मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित ब्रह्मानंद महापात्र और पंडित सानू आचार्य द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रत्येक वर्ष की भांति स्वर्गीय मुनसुख परीक्षा परिवार द्वारा उनके पुत्र कार्तिक परीक्षा यजमान बनकर रथ निर्माण शुभारंभ पूजा संपन्न कराए, जिसके पश्चात श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कलयुग में जीवंत देव के रूप में पूजे जाने वाले महाप्रभु श्री जगन्नाथ के सभी धार्मिक अनुष्ठान जीवन से जुड़े हुए हैं। इसे लेकर आगामी 4 जून को वार्षिक रथ यात्रा के धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ देव स्नान पूर्णिमा के साथ किया जाएगा। धार्मिक मान्यता और परंपरा के अनुसार इस दिन महाप्रभु को 1001 कलशों के पवित्र औषधियों और सुगंधित द्रव्यों से मिश्रित जल से स्नान करवाया जाएगा, जिसके बाद नए वस्त्र धारण कराकर महाप्रभु को उनके अग्रज बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर के सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा। इस अवसर पर भक्तगण महाप्रभु के नव यौवन रूप का दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। महाप्रभु की पूजा अर्चना सहित संस्कृति के संरक्षक सरायकेला के राजा पदेन होते हैं। उड़ीसा से बिहार के विभाजन के समय सरकार के साथ हुए राजकीय करार के अनुसार 1 जनवरी 1948 से उक्त मंदिर की देखरेख और परंपराओं के निर्वाहन का अधिकार राज्य सरकार के पास होने के बावजूद परंपरा अनुसार इसके संरक्षक सरायकेला के वर्तमान राजा प्रताप आदित्य सिंह देव है। इसके अलावा वर्ष 2007 से जगन्नाथ सेवा समिति उक्त मंदिर की देखरेख और परंपराओं का निर्वाहन कर रही है। लगभग 2 महीना है, जो जून 20 तारीख को रथ यात्रा है, अब तब तक रथ बनकर तैयार हो जाएगा और इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ भक्तजनों के सानिध्य में जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। क्या बजट रखा गया? बजट बहुत ज्यादा नहीं, छोटा जगह है। हम लोग अपना जन सहयोग से सबसे पब्लिक से यहाँ से व्यवस्था करके जो चंदा व्यवस्था होता है जन सहयोग से होता है। प्रशासन का सहयोग? प्रशासन सहयोग नील है, प्रशासन से कोई भी सहयोग नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर एग्रीमेंट के मार्जर एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पर सभी सरकारी पूजा का इस पर सरकार के द्वारा एक प्रावधान था, लेकिन फिलहाल जगन्नाथ मंदिर सरायकेला रथ यात्रा के लिए किसी भी तरह का सरकारी सहायता हम लोग को नहीं मिलती। वहीं टाटा वर्कर्स यूनियन के लीडर के घर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। टाटा वर्कर्स यूनियन के लीडर मोहम्मद रफी के घर टाटा स्टील के सारे पदाधिकारी मौजूद हुए, जहां ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर टाटा वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष सहनवाज आलम भी मौजूद रहे। हम लोग आज ही नहीं, रफीक भाई और आलम भाई और भी कुछ मित्र लोग हैं, जहां हम लोग हमेशा आते हैं। हम लोग इंतजार नहीं करते हैं कि निमंत्रण मिलेगा, तो ये मान कर चलिए कि आना ही है। और ईद के अवसर पर ही बोलेंगे कि बड़ा ही खुशी का त्यौहार है, जैसे हम लोग होली मनाते हैं, आज ईद मन रहा है, तो हम लोग सबको मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहने का है। ये हम अपने तरफ से, अपने यूनियन के तरफ से लोगों को आह्वान करने के, जमशेदपुर में भाईचारा कायम है। और राजस्थान कल्याण परिषद द्वारा साक्षी आम बगान के समीप राहगीरों के लिए लगाया गया सेवा शिविर। अक्षय तृतीया के अवसर पर राजस्थान कल्याण परिषद अग्रसेन भवन साक्षी के द्वारा प्रचंड गर्मी को देखते हुए तरबूज और पानी लोगों के बीच वितरित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत इस वर्ष से ही की गई है और आने वाले हर वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। मौके पर मारवाड़ी सम्मेलन के जिला अध्यक्ष मुकेश मित्तल भी मौजूद रहे। राजस्थान कल्याण परिषद द्वारा इस भीषण गर्मी में तो जल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो डेली बेसिस पर किया जाएगा। इसकी गाड़ी एक चल रही है जिसका एसएसके महोदय ने उद्घाटन किया था और वो शहर के हर जगह में जाकर लोगों को ठंडा पानी पिलाने का काम कर रही है। इसके अलावा आज तरबूज का रस और तरबूज राहगीरों को खिलाया और पिलाया जा रहा है। मैं
पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से राजस्थान कल्याण परिषद के तमाम सदस्यगण को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरे मारवाड़ी समाज को बधाई देता हूँ। जादूगर किंचुक मुखर्जी के विरोध में उतरा जमशेदपुर मैजिशियन क्लब, इन्होंने जादूगर किंचुक को झूठा और फरेब बताया। जमशेदपुर मैजिशियन क्लब के अध्यक्ष टीके चटर्जी का कहना है कि जादूगर किंचुक मुखर्जी एक फरेब व्यक्ति है। उन्होंने झूठा दावा किया है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शो किया है। इस मामले में जमशेदपुर मैजिशियन क्लब के अध्यक्ष टीके मुखर्जी ने जानकारी दी। मैं मैजिशियन डॉक्टर टीके चटर्जी जमशेदपुर मैजिशियन क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग का यहाँ पर आज प्रेस वार्ता के जरिए हम लोग को जो चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारे बीच एक जमशेदपुर के मैजिशियन है जादूगर किंचुक मुखर्जी, जिन्होंने अपने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताया, साउथ कोरिया और वगैरह वगैरह सब देशों में गया है। तो हम लोग उसके स्पष्टीकरण मांगे थे, क्योंकि हमारा जो जमशेदपुर मैजिशियंस लोगों के लिए सामने एक बहुत बड़ा चुनौती था। तो उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा तरफ से उन्होंने गाली गलौज करने लगा और सब कुछ को सबको अपमानजनक बातचीत किया। तो हम लोग इसी चलते आज का प्रेस वार्ता के जरिए उसके जो झूठ और फरेब की जो बात है, फ्रॉड की बात है, उसको सामने सबका सामने में रखना चाहते हैं कि जादूगर किंचुक मुखर्जी का नाम से जो है वो अपने झूठा और फरेब आदमी है। वहीं कदमा केएल टावर में इंक मेज टैटू स्टूडियो का उद्घाटन किया गया। कदमा स्थित केएल टावर में इंक मेज टैटू स्टूडियो का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में शाहिद सिंह ने जानकारी दी। जमशेदपुर में खुलने का कारण यही है कि यहाँ पे टैटूइंग को लेके बहुत सारा मिथ और टैबू है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग टैटूइंग करते हैं लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस और हाइजीन मेंटेन नहीं करते, जैसा कि हम लोग प्रोफेशनल वे में टैटूइंग करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सारा नया चीज़ यूज़ होता है, चाहे वो नीडल से लेके टीम से लेके टिप्स टिपिक क्यों ना हो। और ये आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट हाइजीनिक टैटू प्लेसेस में से एक। क्या नाम रखे हैं दुकान का? दुकान का नाम आपका इंक मेज टैटू स्टूडियो है। इस जगह का नाम? इस जगह का नाम है कदमा केएल टावर है। कदमा मार्केट से आप सीधे सीधे आओगे तो आपको केएल टावर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बड़ा सा बोर्ड है, वो आपको मेन रोड में दिख जाएगा। क्या नाम? मेरा नाम साहिल सिंह। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत निर्मल नगर बस्ती में एक व्यक्ति की पत्थरों से कूच कर हत्या कर दी गई, क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चाईबासा में सड़क दुर्घटना में कार सवार दो युवकों की हुई मौत, दो लोग घायल। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन पूर्वी सिंहभूम इकाई द्वारा महादानवीर भामाशाह के जयंती पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अनगढ़ा प्रखंड में अमर शहीद जीतराम बेदिया का शहादत दिवस मनाया गया। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।